हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ रॉन्ग टर्न 4 का एक्सप्लेनेशन। तो ये मूवी पिछले पार्ट्स का प्रीक्वल है और इसके अंदर हम जानेंगे उन सारे म्यूटेंट्स की ओरिजिन स्टोरी। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1974 का वेस्ट वर्जीनिया का असाइलम दिखाया जाता है और इस जगह पर काफी सारे म्यूटेंट्स रहा करते थे जो कि बचपन से ही डिफॉर्म्ड थे। इस सब के बाद हमें डॉक्टर ब्रैंडन और डॉक्टर एन दिखाए जाते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन अब डॉक्टर एन को एक सेल के पास लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुछ म्यूटेंट्स पकड़ लेते हैं। डॉक्टर एन उन पेशेंट्स के कब्जे में आ चुकी थी और वो पेशेंट्स उनकी हेयर पिन निकाल लेते जिस वजह से वो लॉक खोल सके। वो पेशेंट अब बड़ी ही चालाकी से डॉक्टर एन की पिन निकाल चुके थे और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहां से बचाकर आगे वाले प्रिजन तक लेकर जा चुके थे, जहां पर वो डॉक्टर एन को हिल्लिकल ब्रदर्स के बारे में बताते हैं। हिल्लिकल ब्रदर्स तीनों म्यूटेंट भाई थे जिन्हें डॉक्टर हिल्लिकल ने पकड़ा था, जिस वजह से उन तीनों का नाम हिल्लिकल ब्रदर्स पड़ गया। और जब डॉक्टर हिल्लिकल ने इन्हें पकड़ा था तब ये लोग अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और ये तीनों ही इस जगह के सबसे खतरनाक पेशेंट्स है। सबसे पहले वो दिखाता है थ्री फिंगर को जो कि अपनी दो उंगलियां पहले ही खा चुका है और इसी वजह से इसका नाम थ्री फिंगर है। फिर हमें दिखाया जाता है वन आई जो कि अपनी एक आंख निकालकर खा चुका है और इसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। और आखिर में हमें दिखाया जाता है सौ टूथ, ये हर समय अपने दांतों को लोहे की सलाखों पर घिसता रहता है जिस वजह से इसका नाम पड़ चुका है सौ टूथ। फिर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतना दर्द बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रैंडन बताते कि इन तीनों को दर्द महसूस ही नहीं होता और इन तीनों ने मिलकर हॉस्पिटल के काफी सारे लोगों को जख्मी कर रखा है। और इतना कहकर ये दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हमें वही पेशेंट दिखाया जाता है जिसने की वो पेन चुराई थी और वो पेशेंट अपना सेल खोलने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा समझदार नहीं था कि वो अपनी पेन की मदद से उस लॉक को खोल सके। लेकिन तभी उसके हाथ में वो पेन देख लेते वही तीनों भाई और फिर वो उस पेशेंट से मांग लेते उस पेन को। और हमने पिछली मूवीज के अंदर देख रखा है कि थ्री फिंगर सबसे ज्यादा समझदार है और अब वो यहाँ पर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उस लॉक को खोल लेता है और वो तीनों फ्री होकर बाहर आ जाते हैं। वो तीनों भाई बाहर आकर काफी ज्यादा खुश थे और वो जाकर मार देते वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को और फिर वो पहुंच जाते कंट्रोल रूम में और बटन दबाकर सारे के सारे सेल्स को खोल देते हैं। और यहाँ पर शुरू होती है उस हॉस्पिटल के अंदर असली वाली पार्टी। वो सारे के सारे पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगते हैं और ये तीनों म्यूटेंट्स मिलकर भी डॉक्टर एन को शॉक देने लगते हैं। वो डॉक्टर एन को तब तक करंट के झटके देते जब तक कि उनका भेजा फ्राई नहीं हो जाता और फिर वो डॉक्टर ब्रैंडन का भी काम तमाम कर देते हैं। पहले वो उन्हें क्रूसीफाई करते और फिर उनके हाथ और पैर काट देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 29 साल बाद में, यानी कि 2003 में। हमें कुछ यंग लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपनी जिंदगी में मजे कर रहे थे और हमें इनका प्लान पता चलता है कि ये लोग वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जाएंगे ताकि ये लोग वहां पर कुछ छुट्टियां बिता सके। और वहां पर इन सभी 9 लोगों को एक बंदा मिलेगा जिसका नाम है पॉटर। पॉटर ने उस जंगल के अंदर सारा खाने पीने का बंदोबस्त कर रखा है, वो भी पहले से। और फिर ये सभी लोग अपनी आइस की शुरू करते हैं और उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रात होने तक इन्हें पॉटर की कोई भी खबर नहीं मिलती और सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। और इन सभी लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए वहां पर आ जाता है एक ब्लिजार्ड, यानी कि एक बर्फ का बड़ा सा तूफान जिसमें से निकल पाना इन सभी लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन तभी इन लोगों को पास ही में एक बड़ी सी बिल्डिंग मिलती है और ये लोग फैसला करते कि उसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ये सारे बच्चे ले चुके अपना रॉन्ग टर्न। हो सकता है कि ये लोग उस बर्फ के तूफान से बच जाते, लेकिन उन म्यूटेंट से बच पाना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब ये सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो तीनों म्यूटेंट्स बाहर गए हुए अपने शिकार को ढूंढने। अब उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचने पर इन सभी लोगों को पता चलता है कि वो किसी की तरह का हॉस्पिटल था और फिर इन लोगों को एक बड़ा सा कमरा मिल जाता है जहां पर ये लोग आग लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन आखिर ये सब थे तो एक हाई स्कूल किड्स और शांति से कैसे बैठ जाते हैं, इसीलिए ये लोग फैसला करते कि उस जगह को अच्छी तरह से ढूंढेंगे क्योंकि हो सकता है कि इन्हें कोई पुरानी वाइन की बॉटल या फिर कोई सिगरेट या ड्रग्स मिल जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, इन्हें एक पुराने से कंट्रोल रूम के अंदर एक वाइन की बोतल मिल जाती है, लेकिन इन सभी का मन उससे नहीं भरता और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर इन लोगों को वहां रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन सब के अंदर हॉस्पिटल के कैदियों की रिपोर्ट थी। वो उन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए उन सभी पेशेंट्स की शक्ल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भाई फिर से लौट चुके हैं अपना शिकार मारकर।
उन तीनों के हाथ में एक आदमी की लाश है जो कि वो लेकर उस बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे। और बिल्डिंग के अंदर घुसने के साथ ही वो तीनों समझ चुके थे कि कोई उनकी जगह पर छेड़छाड़ कर रहा है। और कुछ ही देर में उन तीनों म्यूटेंट्स को बाकी के लोग दिखाई दे जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं विंस्टन, जेना और कैरी। ये तीनों यहाँ पर बेड्स चेक करने आए थे ताकि ये सभी लोग आराम से सो सके। और फिर इन तीनों को वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है और विंस्टन उसे चेक करने चला जाता है। विंस्टन अब एक रूम के अंदर कुछ चेक करने चला जाता है और जोरों से चीखने लग जाता है। उसकी चीख सुनकर बाकी की दोनों लड़कियां घबरा जाती है और उसे चेक करने जाती है। लेकिन ये सब विंस्टन का किया हुआ एक भद्दा सा मजाक था और वो उन दोनों को देख कर हंसने लग जाता है। विंस्टन बताता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ डरा रहा था और मैं डराने में कामयाब भी हो गया। फिर वो दोनों उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है और हम देखते है कि सोतूत अंधेरे में खड़ा हुआ उन तीनों को देख रहा था। वो दोनों वहां से जा चुकी थी, इसलिए विंस्टन अकेला ही कंट्रोल रूम में जाकर लाइट ऑन कर देता है। और लाइट के आने की खुशी देखकर ये सभी लोग वहां पर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। पार्टी करते करते ये दूसरे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन सभी लोगों को मिलती है कुछ रील्स। और अब ये लोग उन पुरानी सी पड़ी हुई रील्स को प्रोजेक्टर में प्ले कर देते हैं और इन सभी लोगों के सामने वहां के सारे पेशेंट्स की फाइल चालू हो जाती है। हमें उन तीनों म्यूटेंट भाइयों की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट उन्हीं पर हुआ करते थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो तीनों के तीनों भाई कैनिबल्स है और उन्हें जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता। अब लॉरेन बताती है कि उसका भाई उसे हिलबिलीज के बारे में काफी ज्यादा कहानियां सुनाया करता था, लेकिन वो लोग उसे सीरियसली नहीं लेते और जाकर सोने चले जाते हैं। अब वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग सो चुके थे, लेकिन विंस्टन को किसी रीजन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब ये बंदा टॉर्च लेकर फिर से उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है, लेकिन तभी इसके सामने इसे कोई दिखाई देता है और वो था इसका दोस्त पॉटर, जिसके केबिन पर इन सभी लोगों को जाना था। वो अपने दोस्त के जरा सा और करीब जाता है और अब उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि उसके दोस्त की लाश है। और ये देखकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका काम तमाम करने वहां पर आ जाता है सौतूत। सौतूत आकर विंस्टन के मुंह में एक रॉड घुसा देता है, जिस वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकलती और वो वहां पर चुपचाप मर भी जाता है। अब अगली सुबह तक भी वो तूफान नहीं रुका था और ये भी सभी लोग विंस्टन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को लग रहा था कि वो इनके साथ फिर से कोई भद्दा सा मजाक कर रहा है। इन सभी लोगों का सारा सामान भी गायब हो चुका था और अब ये लोग विल्सन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो सबसे पहले बेसमेंट के अंदर जाते हैं। बेसमेंट के अंदर इन्हें काफी सारे हथियार मिलते हैं और इन्हें काफी सारे प्रिजन भी मिलते हैं और ये सब देखकर ये सभी लोग काफी घबराने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोगों को वहां रखा खून मिलता है, जिसे देखकर यहां पर सबकी टेंशन बढ़ जाती है। अब बेसमेंट में ये सभी लोग अलग अलग होकर विंस्टन को ढूंढने लग जाते हैं और सबसे पहले जेना जाती है किचन की तरफ। किचन में वो देखती है थ्री फिंगर को, जो कि पॉटर की बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर रहा था, और ये देखकर वो वहां से भागने लगती है। अब भागते वो अपने सारे दोस्तों के पास चली जाती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है, लेकिन तभी उनके पास एक शर्ट आकर गिरता है जिसके अंदर कुछ लपेटा हुआ था। अब केन्या उस शर्ट की गांठ खोलने लगती है और उसे पता चलता है कि उस शर्ट के अंदर था पॉटर का कटा हुआ सर। ये लोग इतना सब कुछ देखकर संभल भी नहीं पाते, लेकिन तभी वो म्यूटेंट्स उन पर फिर से हमला कर देते हैं, वो भी छत से। वो इन सभी लोगों की तरफ एक बार वायर फेंक देते हैं, जो कि जाकर लगता है सीधा क्लेयर के गले में। क्लेयर अब यहाँ पर फांसी खा रही थी और वो म्यूटेंट्स उसे ऊपर उठाने लगते हैं, जिस वजह से उसका गला कट जाता है। कायल अब क्लेयर को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इस सबसे घबरा कर वो उस जगह से बाहर भाग जाते हैं और अपनी स्नोमोबाइल स्टार्ट कर वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसका स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा और ये सारा काम था उन तीनों भाइयों का। ये लोग अब यहां से नहीं भाग सकते थे और ये लोग फैसला करते कि ये लोग लॉरेंस को वहां से जाने देंगे, क्योंकि वो स्की चैंपियन थी और यहां से बाहर निकलना जानती थी। वो इस जगह से निकलेगी और जाकर पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देगी। अब लॉरेंस के उस जगह से चले जाने के बाद ये सारे लोग जाकर फिर से उसी बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि बाहर रहना इन सभी लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि बाहर थी ठंड और इनके पास नहीं थे गर्म कपड़े। ये लोग अपने आप को उस रूम के अंदर लॉक कर लेते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि अब ये लोग नीचे जाएंगे बेसमेंट के अंदर, क्योंकि बेसमेंट में इन सभी लोगों को हथियार मिलने की कुछ उम्मीद है, क्योंकि वहां पर काफी सारे हथियार पड़े हुए थे। अब ये सभी लोग दो टीम बांट कर वहां से चले जाते हैं और इस जगह के बेसमेंट में इन सभी लोगों को मिलता है सौतूत, लेकिन ये सभी लोग उससे बचकर फिर से आ जाते हैं। अब वनय उस जगह के दरवाजे में होल कर केन्या को पकड़ लेता है, लेकिन केन्या उसके हाथ भेंट दे मारती है, जिस वजह से वनय को पीछे हटना पड़ता है। सौतूत ने यहाँ पर डेनियल को पकड़ लिया था और वो सभी लोग उसे किचन में ले जाकर एक टेबल पर बांध देते हैं। बाकी लोग अब कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि डेनियल उनके पीछे नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने चले जाते हैं। ये सभी लोग अब पहुंच जाते किचन में, जहाँ पर ये लोग देखते कि वो तीनों म्यूटेंट्स मिलकर डेनियल को जिंदा खा रहे थे।
थ्री फिंगर उसके मीट के टुकड़े को तेल में फ्राई कर कर खा रहा था और अब इतने में डैनियल की मौत हो चुकी थी। बाकी के लोग अपनी पूरी हिम्मत जुटा कर उन सारे म्यूटेंट्स पर हमला कर देते हैं और उन सभी लोगों को अपने पीछे ले जाकर उन्हें एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं। कायल अब उन तीनों को जलाकर मारने लगता है, लेकिन केन्या उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि ये सभी के सभी लोग मासूम है, क्योंकि इन्हें कभी इंसानियत के बारे में सिखाया नहीं गया और इन तीनों लोगों की मासूमियत तो हमें दिख ही रही है। वो दोनों लड़के अब कायल को उन्हीं म्यूटेंट्स के साथ छोड़कर चली जाती है ताकि वो उन सबका ध्यान रख सके, लेकिन कायल की नज़र उन सभी से हट जाती है और बदकिस्मती से वो वही सेल था जिसके अंदर वो पेन पड़ी हुई थी। वो पेन इतने सालों से उसी जगह पर पड़ी हुई है। अब थ्री फिंगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फिर से उस सेल को खोल देता है और बाहर निकलकर ये तीनों लोग मार देते हैं कायल को। अब केन्या यहाँ पर कायल को चेक करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कायल उसे नहीं मिलता और ठीक उसी टाइम जनरेटर भी बंद हो जाता है। वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि सेल के अंदर वो तीनों म्यूटेंट्स थे ही नहीं। वो भागते हुए एक रूम के अंदर पहुंचती है जहाँ पर बाकी के लोग मौजूद थे और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और तभी इन लोगों को दरवाजे के होल से बाहर एक आदमी दिखाई देता है और ये उसे पकड़ कर पीटने लग जाते हैं। इन सभी को लग रहा था कि इन्होंने थ्री फिंगर को पकड़ लिया है, लेकिन दरअसल में था वो कायल। उन तीनों भाइयों ने कायल को नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने इसे मोहरा बनाकर इन लोगों के पास भेज दिया और इन लोगों ने इसकी फिर से जान ले ली। और जैसे ही ये बात इन सभी लोगों को पता चलती है, ये सभी लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब इन लोगों के पीछे फिर से वही म्यूटेंट्स पड़ जाते हैं और ये लोग भागते भागते पहुंचते सीधा उन्हीं म्यूटेंट्स के रूम के अंदर और यहाँ पर इन्हें अपना और बाकी सारा सामान मिल जाता है। अब ये लोग उसी रूम के अंदर प्लान करते हैं कि ये लोग खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आखिर था वो एक सैनिटोरियम। उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी जो कि मेटल की बनी थी और वो म्यूटेंट भाई भी इन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब सारा उस खिड़की को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और उसके बाहर निकलने लगती है और बाकी के लोग भी एक एक करके उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जेना उस जगह के बाहर नहीं निकल पाती। सौतूत उसके अंदर एक ड्रिल घुसाकर उसका भी खेल खत्म कर देता है। अब ये सभी लोग अपनी स्नोमोबाइल लेकर वहां से भागने लग जाते हैं। पता नहीं ये स्टार्ट कैसे हो गई, लेकिन वो म्यूटेंट्स भी इनके पीछे लग जाते हैं। वो सबसे पहले ब्रिजेट के ऊपर अपनी स्नोमोबाइल चला देते हैं। फिर हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो कि पिछली रात मदद लेने गई थी, लेकिन ठंड के कारण वो भी मर गई और उसके मरने की जगह ठीक सड़क के सामने थी। अब केन्या और सारा अभी तक जिंदा थी और उनके पीछे लगा हुआ था थ्री फिंगर, लेकिन ये दोनों यहाँ पर एक प्लान बनाकर थ्री फिंगर की आइस मोबाइल ले लेते हैं और वहां से काफी ज्यादा खुश होकर जाने लगते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। ये लोग इतना खुश होकर अपने सामने बॉब वायर देखते ही नहीं और उस वायर में फंसकर इनका गला कट जाता है और इसी के साथ ये लोग यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और तभी वहां पर आ जाता है थ्री फिंगर अपनी वही खटारा गाड़ी लेकर और वो इन दोनों के कटे हुए सर को लेकर चल देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और इस सब के आगे क्या हुआ हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।